हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल स्कूल प्रेप दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्लास एट साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो दैट हाउ सॉइल विल बी प्रिपेयर फॉर द क्रॉप कल्टिवेशन तो क्रॉप कल्टिवेशन के लिए सॉइल प्रिपरेशन के लिए किसकी जरूरत होती है प्लोइंग प्लोइंग करते हैं वाटरिंग करते हैं लेबलिंग करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स यूज किया जाता है सॉइल प्रिपरेशन के लिए लाइक प्लो एंड होई एंड कल्टिवेट ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज शोइंग प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बुआई करना तो क्या होता है जब हम प्लो कर लेते हैं उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं सीड को बोते हैं तो सीड्स आर सोन इन द फील्ड आफ्टर प्लोइंग जो फार्मर्स होते हैं तो फार्मर्स क्या करते हैं डेमेज सीड को गुड सीड्स सेपरेट कर देते हैं क्योंकि जो डेमेज सीड होंगे उनसे अच्छी क्रॉप कल्टिवेशन नहीं हो पाएगा दैट्स दाई गुड सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। द सीड्स शुड बी शॉन एट द प्रॉपर गैप्स एंड द प्रॉपर डेप्थ तो जो सीड होंगे वो उनके बीच की जो गैपिंग होगी वो प्रॉपर होगी और उनको सॉइल में प्रॉपर डेप्थ में बोया जाता है जिससे कि जो सनलाइट है एडुकेट अमाउंट में उसे सनलाइट भी मिले और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो भी उसको प्रॉपर वे में मिले एंड उनके बीच में इतना गैप रहे कि उनको इजीली एयरी गैप एयरी हो सके उनके बीच का जो गैप्स है मींस उनको इजीली ब्रीथ करने में बहुत ईजी हो जाए इसलिए उनको किस कैसे बो, 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 बो जाता है प्रॉपर गैप्स एंड प्रॉपर डेप्थ में इट इंश्योर क्या करता है एयर एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेथड्स हैं डिफरेंट टाइप की जो सोइंग में यूज की जाती है ट्रेडिशनल तो मेथड है जिसमें सीड्स को मैनुअली मीनस बाई हैंड क्या जाता है चारों तरफ स्प्रेड कर दिया जाता है ओके okay? और ये कहाँ बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है जो स्मॉल साइज के प्लॉट्स होते हैं मीन्स लार्ज स्केल में जब आप इसे यूज कर रहे हैं तब ये इतना इफेक्टिव नहीं है ये कहाँ इफेक्टिव होता है जहाँ छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं छोटे छोटे फील्ड्स होते हैं वहाँ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ये एक मैनुअली मेथड है ट्रेडिशनल मेथड है द सेकेंड वन इज ट्रेडिशनल सीड ड्रिल सीड ड्रिल है बट ये कैसी है ट्रेडिशनल है इसमें क्या किया जाता है जब जो आपका प्लो होता है उसके द्वारा जो एनिमल्स के द्वारा जब खेत को प्लोइंग की जाती है तो उसमें इस ट्रेडिशनल सीड ड्रिल का यूज किया जाता है तो ये कैसी होती है कम्पोज ऑफ अ फ्यूनेल विच हैज अ लॉन्ग पॉइंटेड मेक ये देखिए यहाँ पर प्लो हो रहा है एनिमल्स के द्वारा ये जो प्लो है ये इसकी बीम है और परपेंडिकुलर इसका क्या लगा हुआ है प्लो सॉफ्ट। दिस इज अ सॉफ्ट तो हमने प्लो को पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है तो आपकी ट्रेडिशनल सीड ड्रिल होती है ये क्या है आपकी फ्यूनल है फ्यूनल के नीचे से कीप कह सकते हैं आप जिसे इसमें एक लॉन्ग देखिए लंबी सी पॉइंटेड नेक है ये देखिए लॉन्ग इसको नेक बोला जाता है और ये इसकी फ्यूनल है फ्यूनल किससे अटैच्ड रहती है किससे अटैचड रहती है प्लो सॉफ्ट से किससे प्लो सॉफ्ट जो खेतों की जुताई में प्लो प्लोइंग के समय एनिमल्स के बीम के जो एनिमल्स के कंधे में बीम रखी होती है उसके साथ अटैच रहता है ठीक है तो जो सीड्स हैं वो इस फ्यूनल में रखे जाते हैं और उससे धीरे धीरे ग्रेजुअली ड्रॉप होते हैं कहाँ सॉइल में किसके थ्रू जो आपकी लॉन्ग नेक है इसके थ्रू सॉइल में क्या होते हैं ड्रॉप होते हैं ग्रेजुअली वेन द फील्ड इज बींग प्लोड जब खेत को प्लो प्लॉइंग की जाती है खेत की तो उसमें उस नेक के द्वारा धीरे धीरे जो सीड्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं सॉइल में एंटर कर दे जाते हैं या उनको हम ड्रॉप कर देते हैं द नेक्स्ट इज मॉडर्न सी ड्रिल क्या है मॉडर्न सी ड्रिल जैसे ट्रेडिशनल सी ड्रिल में एक होल था तो इसमें क्या होते हैं मैनी होलोज एंड पॉइंटेड ट्यूब्स होती हैं ये देखें ये बहुत सारी इसमें क्या होती हैं बहुत सारी हॉलोज एंड पॉइंटेड ट्यूब्स होती हैं जो फिटेड ऑन अ ह्यूज फ्रेम ऑफ आयरन ये देख ह्यूज फ्रेम के आयरन पर क्या होती हैं से फिट रहती है ये आयरन का यूज फ्रेम है इसमें फिटेड रहती है और इसमें कनेक्ट रहता है एक यूज़ कंटेनर इसके अपर में एक कनेक्ट रहता है ह्यूज कंटेनर और इस कंटेनर में सीड्स को कीप किया जाता है कैप्ट किया जाता है रखा जाता है जिससे सीड्स को क्या सीड्स को ड्रॉप किया जाता है थ्रू जो ये हॉलो की ट्यूब्स हैं इनके थ्रू सॉइल में इसको ड्रॉप किया जाता है और सॉइल में आ, इनकी बुआई होती है ओके, नेक्स्ट इज़ एडिंग एंड फर्टिलाइजर, खेतों की प्लॉइंग हो चुकी है एंड उसमें सोइंग हो चुकी है उसमें सीड्स बो दिए अब प्रॉपर कल्ट ग्रो के लिए किसकी जरूरत होती है मैन्योर खाद की एंड फर्टिलाइजर्स उर्वरक की जरूरत होती है तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स लाइजर्स नीड टू बी एडेड टू द सोइल रीप्लान इज प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट मिल सके इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की जरूरत होती है तो फर्स्ट इज मैन्योर जो मैन्योर होता है वो प्रिपेयर्ड होता है प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकंपोजिशन से जो एनिमल डंग होता है एंड डिफरेंट टाइप के प्लांट रेसिड्यू होते हैं इनको फील्ड में लेफ्ट कर दिया जाता है डंप कर दिया जाता है और डंप करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है किसके लिए डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता है वो टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाते हैं और मैन्योर हमें ऑप्टेन हो जाती है कभी कभी फार्म वेस्ट में भी कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल जो फार्म वेस्ट है आपका उसको सॉइल की लेयर से कवर किया जाता है और इसी में धीरे धीरे किस प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है कभी एंड समाइम्स अर्थ बॉर्म का भी यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन एंड फार्मर ऑल्सो मेक कंपोजिट पिट्स टू प्रिपेयर मैन्योर के प्रिपरेशन के लिए कंपोजिट पिट्स का भी कंपोजिट uh, पिट्स भी बनाए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा सो द एडवांटेज ऑफ मैन्योर मैन्योर का एडवांटेज क्या है इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इंक्रीज करता है ये बहुत ज्यादा मात्रा में ह्यूमस हमें लॉट्स ऑफ ह्यूमस हमें क्या करता है प्रोवाइड करता है फील्ड्स को इम्प्रूव सॉइल टेक्चर एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो सॉइल की वाटर रिटेनिंग यानी वाटर को कैप्चर करने की बनाए रखने की अगर वॉटर वो रिटेन नहीं कर पाएगी सॉइल तो उसमें प्लांट्स uh, को प्रॉपर वे में वाटर प्रोवाइड नहीं हो पाएगा सो so, जो मैन्योर है वो सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है इट इज़ फ्री ऑफ एनी टॉक्सिक मटेरियल जो मैन्योर होता है वो केमिकल्स उसमें किसी भी प्रकार के वो नेचुरल होता है किसी भी प्रकार का उसमें केमिकल नहीं होता है सो इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्सो तो फ्री फ्रॉम एनी टॉक्सिक मटेरियल। द सेकंड वन इज फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो प्लांट स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ये फैक्ट्रीज में बनते हैं लाइक like यूरिया अमोनियम सल्फेट पोटास एंड एनपीके एनपीके एन इज नाइट्रोजन पी फास्फोरस एंड पोटेशियम सो एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर ये फास्टर रिजल्ट देते हैं कंपेयर टू मैन्योर एंड हेल्प फार्मर इज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग फार्मी जो आपकी फार्म है उसको ज्यादा सिग्निफिकेंटली ये ज्यादा सिग्निफिकेंटली uh, क्या कहते हैं फार्मर्स की हेल्प करते हैं और इसके डिसएडवांटेज हैं मैन्योर का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं था बिकॉज इट इज टॉक्सिक फ्री इट इज विदाउट केमिकल्स बट जो फर्टिलाइजर हैं उनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं अगर इनका एक्सेसिव यूज हो जाए तो ये सॉइल को अनफर्टाइल बना सकते हैं बिकॉज इनमें केमिकल्स का यूज होता है ये फैक्ट्रीज में बने बनते हैं एंड द सेकेंड डिसएडवांटेज इज हार्मफुल से इन फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर एंड जो ग्राउंड वाटर होता है सॉइल के अंदर जो वाटर होता है भूमि के अंदर जो वाटर होता है उसको भी क्या है? है, करते हैं हार्म पहुंचाते हैं पॉल्यूट करते हैं ओके सो हम देख लेते हैं डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर हमने दोनों पढ़े तो जो फर्टिलाइजर हैं वो मैन मेन मैन मेड होते हैं और जो मैन्योर होते हैं दे आर नेचुरल होते हैं और किसके द्वारा ऑप्टेन होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते जबकि जो मेन्योर होते हैं वो प्रोवाइड लॉर्ड्स ऑफ ह्यूमस टू दॉइल ओके अदर मेथड्स ऑफ रिप्लेनिसूट्रिय सॉइल को न्यूट्रिय देने की जो अदर मेथड्स हैं एक तो मैन्योर हो गया फर्टिलाइजर हो गया इनके अलावा कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिससे हम सॉइल को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला बना सकते हैं दैट इज फॉलोफील्ड वट इज फॉलो फील्ड फॉलोफील्ड क्या है जब हम इसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं और एक सीजन में उस फील्ड में किसी भी टाइप की हम क्रॉप नहीं उगाते हैं कल्टीवेट नहीं करते हैं मीन्स फील्ड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ सीजन एक सीजन के लिए उसे पूरी तरह छोड़ दिया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्रॉप कल्टिवेट नहीं की जाती है दैट इज कॉल्ड फॉलोलैंड मीन्स हम उसको एक सीजन के लिए उसमें किस, को, किसी भी टाइप का कल्टिवेशन नहीं करें क्रॉप का तो इससे क्या होता है जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो और अच्छे से बनते हैं उसमें दोबारा से बन जाते हैं ये इसकी नेचुरल प्रोसेस है सेकेंड वन इज क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन क्या है किसी भी दो क्रॉप के जो दो क्रॉप है सीरल्स क्रॉप जैसे व्हीट एंड राइस की क्रॉप है उन दोनों के बीच में अगर हम दूसरी कोई क्रॉप को जोड़ दे जैसे लेग्यूम क्रॉप को अगर हम उनके बीच में ग्रो करा दें दो डिफरेंट डिफरेंट सक्सेस सीरल्स क्रॉप हैं उन दोनों के बीच में एक सीजन खत्म होने के बाद अगर हम किसी लेग्यूम क्रॉप को उस फील्ड में अगर हम ग्रो करते हैं तो उससे भी क्या होती है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है क्यों जो लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं लेग्यूम प्लांट्स की रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को जो एयर की नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में क्या करता है चेंज करता है और नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करने के बाद प्लांट्स उसको ईजीली यूज कर सकते हैं दस लेग्यूम प्लांट्स फेसिलिटेट रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिय सॉइल तो लेग्यूम प्लांट्स सॉइल में न्यूट्रिय को बढ़ाने का काम करते हैं ओके इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रिलेटेड टू दिस चैप्टर टिल देन कीप वॉचिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यून नेक्स्ट वीडियो